कराची में आर्मी चीफ से ताजरों और सनअतकारों की मुलाकात। कयाम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे किरदार अदा करते रहेंगे। जनरल कमर बाजवा की गुफ्तगू। बाज गैर मुल्की एजेंसियां पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग करती हैं। 100% मालूमात हासिल करना मुश्किल है। माली मामलात रोकने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। वजीर दाखिला का सेनेट में तहरीरी जवाब। इस साल करप्ट हुक्मरानों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए इसलिए सड़कों पर निकले हैं। किसान साथ दें तो जानते हैं कि कैसे हटाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब। आमद की निशानी है मेरे भाई के करप्शन पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है। बिलावल साहब, करप्शन पर बात करने से पहले जब तक आपके नाम के साथ जरदारी लगा हुआ है ना बात किया करें। पीपल्स पार्टी का करप्शन के खिलाफ रैली निकालना कयामत की निशानी है। जब तक बिलावल के नाम के साथ जरदारी लगा है करप्शन की बात ना करें। तलाल चौधरी का मशवरा। पार्लियामेंट में की गई तकरीर, वजीर आजम का एतराफ था। तकरीर को सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस लाया जा सकता है। केस की सूरत हाल वाजे और फैसला अदालत ने करना है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की इस्लामाबाद टुनाइट में गुफ्तगू। वालिद ने बेटी के नाम पर खरीदी और जायदाद का इंतकाल बाद में हुआ। वजीर आजम के वकील के दलाइल। लगता है मरियम वालिद के जेरे कफालत है। ना अहल करार देना इल्जाम की असल सजा से ज्यादा सख्त है। मनामा केस में जजेस के रिमार्क्स। मुजफ्फराबाद में थाला माकड़ी के मकाम पर जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जान बहक और 17 जख्मी हो गए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में कसीरुल मंजिला इमारत आग लगने के बाद जमीन बोस हो गई। 30 से ज्यादा अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कई फायर फाइटर्स मलबे तले दब गए।